संदीप हमारे दर्शक भी फोन लाइन पे अब जुड़ गए हैं। संदीप गुड मॉर्निंग, पूछिए। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार सभी जी, को। नमस्कार। हाँ जी, मैंने ना अडानी बिलमर के शेयर लिए थे आईपीओ में 230 के भाव पर, एक लॉट मिला था मुझे 65 शेयर का। बहुत बढ़िया, बताइए अब हाँ और जी, कितना मुनाफा कमाने के लिए रुकना है। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था और 800 के भाव के पास गया था, वहां से करेक्ट हो चुका है। चलिए, निवेश का नजरिया है इनका, तो महेश आप ही के मैं पास आऊंगी। क्या सलाह होगी इतना रुकने की, या आपको लगता है कि कहीं और निकल जाना चाहिए इनको? नहीं, डेफिनेटली थोड़ा और इसको टाइम देना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स भी यूज करना चाहिए। यहाँ पे एक 290 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा और टाइम देना चाहिए। हो सकता है 375 से 400 तक के लेवल जो है इसमें अपने को देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी न्यूज भी चल रही है उसके हिसाब से भी होल्ड करना चाहिए, और फंडामेंटली भी काउंट ठीक है कंपेयर टू अदर FMCG। तो यहाँ से होल्ड करने की सलाह रहेगी, 290 का स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखिए। चलिए, तो अडानी विल्मर पर ये नज़रिया महेश जी की तरफ से आता हुआ। इन सब के बीच में हमारे साथ बेंगलुरु से एक दर्शक जुड़े हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका और सवाल किस स्टॉक पे? जी, मैं भारती बात कर रही हूँ। जी जी भारती जी, और नमस्कार। पिरामल, जी पिरामल एंटरप्राइजेस लिया हुआ था जी, काफी पहले लिया हुआ है, ठीक है। वो बिफोर डी मर्जर मेरी कॉस्ट थी 2189। अच्छा, उसके बाद पिरामल एंटरप्राइजेस उसमें से डी मर्ज हो गया, और अभी अब मैं जानना चाह रही हूँ, काफी नीचे है तो क्या करें, करीब 6-7 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो डी मर्जर से पहले लिया हुआ स्टॉक है आपका ये। अभी आप बता सकती हैं कि कितना आपको नुकसान इसमें हो रहा है? नहीं, अब मुझे बताना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि डीमर्ज हो गया तो वो कॉस्ट उसमें से सेपरेट हो गई। जी जी, चलिए चलिए, अंशुल जी जरा इस दुविधा का समाधान कीजिए। डीमर्जर से पहले लिया हुआ था इन्होंने, और जाहिर सी बात है कि एक कैलकुलेशन भी उनके सामने, और दूसरा एक नज़रिया भी कि इतने लंबे समय से रुकी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि और भी समय दे सकती हैं, लेकिन पिरामल एंटरप्राइजेज ने करना क्या चाहिए? अंशुल जी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, पिरामल एंटरप्राइजेस पर आ दीजिए जी। 102 हफ्ते हो गए हैं इसमें पैटर्न डेवलप होते हुए, तो थोड़ा सा और इनको समय देना चाहिए। पहले स्टॉक पैटर्न का हाई 1109 रुपए टेस्ट करेगा, और जैसे 1109 रुपए के ऊपर निकलता है स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आएगा, स्ट्रक्चरल बुल रन में स्टॉक चला जाएगा, 1400 रुपए तक का टारगेट रहेगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए, 1100 रुपए पे रिकंसिडर कीजिएगा कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है या सस्टेन हो रहा है। 1100 पे रिकंसिडर की सलाह रहेगी, फिलहाल के लिए होल्ड एंड की सलाह है। कुल दुविधा का समाधान अंशुल जी के तरफ से, होल्ड करिए और टारगेट ऊपर 1400 तक जा सकता है। चलिए इसी के